हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूएशन में आज हम सॉल्व करेंगे सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 21। लेक्चर 9.3 के पार्ट 1 में हमने स्टडी किया था हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, उसी पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड अ मैट्रिक्स ए इफ बी इज इक्वल टू दिस एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस 1 अपॉन 2A। हमें एक मैट्रिक्स बी गिवन है और मैट्रिक्स ए और बी में ये रिलेशन गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। जो रिलेशन हमें गिवन है मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए में, उसमें हम मैट्रिक्स बी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। बी स्क्वायर मीन्स बी मल्टीप्लाई बाय बी। मैट्रिक्स बी इज 2011 मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। नाउ सॉल्व दिस फॉर ए। मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज की मल्टीप्लाई होती है सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2 by 2, 2 by 2, इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 multiply by 2 एंड 1 multiply by 0। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 multiply by 1 एंड 1 multiply by 1। नेक्स्ट 0 plus 0, 0 plus 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। इस मैट्रिक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हैं विद माइनस साइन, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा एंड दैट इज इक्वल टू 1 upon 2A। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी हमने स्टडी किया था। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे। 4 minus 2 is 2, 3 minus 1 is 2, 0 minus 0, 0 एंड 1 minus 1, 0। दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 upon 2A। ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो 1 upon 2 को भी हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर एंड अ मैट्रिक्स भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। एक स्केलर से अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स ए इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया 2 को 4, दैट इज 4, 0, 0। दिस इज मैट्रिक्स ए। क्वेश्चन नंबर 13। मैट्रिक्स ए हमें गिवन है और एक रिलेशन गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। फाइंड ए एंड बी। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो रिलेशन हमें गिवन है उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ए स्क्वायर मीन्स ए मल्टीप्लाई बाई ए। पुट द वैल्यू ऑफ ए। अब देखिए, जब हम इस मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इट मींस ये जो आई यहां पर मेंशन है दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन इट्स ऑर्डर इज 2 by 2। नाउ मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट एंड कॉलम्स ऑफ सेकेंड। ये दोनों मैट्रिक्स उसी केस में इक्वल होंगे अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। इट मीन्स 1 plus A is equal to 1, देयरफॉर A इज इक्वल टू 0। -1 plus B will be equal to 0, इट मीन्स B इज इक्वल टू 1। A और B की वैल्यूज तो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। आप चाहें तो थर्ड और फोर्थ एलिमेंट से इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। -A plus AB is equal to 0। पुट करते हैं इसमें A और B की वैल्यूज, दैट इज 0। फोर्थ एलिमेंट A plus B square is equal to 1, इसको भी क्रॉस चेक कर सकते हैं आप। A इज 0 एंड B इज 1। क्लियरली दिस इज ऑल्सो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें 3 मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी। देन शो दैट, और ये 2 रिजल्ट्स हैं जो हमें शो करने हैं। तो चलिए, फॉर पार्ट फर्स्ट हमें प्रूव करना है ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट हैंड साइड पहले हम कंसीडर करेंगे फिर राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, देखते हैं वैल्यूज इक्वल आती हैं या नहीं। शो करना है इट मीन्स वैल्यू इक्वल मिलेगी आपको।
तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है और इसमें हम मैट्रिक्स ए बी और सी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। मैट्रिक्स ए गिवन है हमें, मैट्रिक्स बी भी गिवन है और मैट्रिक्स सी भी गिवन है। देखिए जिस फॉर्म में ये हमें गिवन है, इट मींस पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐड करना है मैट्रिक्स बी और सी को, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे 2+1 3, 3+4 7, 4+0 4 एंड 1+2 3। नाउ मल्टीप्लाई फर्स्ट मैट्रिक्स बाय सेकंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड साइड इज ए बी प्लस ए सी। चलिए इसमें भी हम मैट्रिक्स ए बी सी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। दिस इज इक्वेशन वन। अब इसके अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट टर्म हमें मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी से, और सेकंड टर्म में हमें मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स सी से। नाउ ऐड दीज टू मैट्रिसेस। दिस इज इक्वेशन टू। नाउ कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू। These are equal. A into B plus C is equal to AB plus AC. Now come to the second part. Second part में हमें show करना है B minus A multiply by C is equal to BC minus AC. चलिए similar to part one, left hand side consider करेंगे, then right hand side. मैट्रिक्स ए बी सी की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इन लेफ्ट हैंड साइड। मैट्रिक्स बी में से मैट्रिक्स ए को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे। 2-2 is 0, 3-1 is 2 एंड सिमिलरली दिस इज 4 एंड दिस इज 1। Now multiply these two matrices. This is the value of left hand side, equation 1. Now consider right hand side, that is BC minus AC. Put the values. राइट हैंड साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मैट्रिक्स बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, देन ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्टेंट मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट 2-2 0, 14-10 4, 4-0 4 एंड 18-0 18। नाउ कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लुक 0 4 4 18, 0 4 4 18, क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मीन्स बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू बी सी माइनस ए सी, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 15th में भी हमें थ्री मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स ए बी एंड सी, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी सी। सिंपली हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए स्क्वायर प्लस बी सी की, तो वैल्यू पुट करते हैं मैट्रिक्स ए बी और सी की। ए स्क्वायर मीन्स मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ, ए इंटू ए। दिस इज मैट्रिक्स बी एंड दिस इज मैट्रिक्स सी। नाउ सॉल्व दिस। फॉर फर्स्ट टर्म हम मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फॉर सेकेंड टर्म मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स सी से। This is the value of A square plus BC.
क्वेश्चन नंबर 16, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई. फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय सेकेंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड वी हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई फॉर दिस रिलेशन. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकेंड मैट्रिक्स से. These two matrices are equal. It means 2x plus 5y is equal to minus 7 and second element 5x plus 2y is equal to 14. Now solve these equations simultaneously. Equation 1 को multiply कर रहे हैं 5 से और equation 2 को multiply कर रहे हैं 2 से. Now subtract second equation from first. Y is equal to minus 3. Now put this value in equation 1 or 2. टू एक्स प्लस फाइव वाई और वाई के प्लेस पर हम पुट कर रहे हैं माइनस थ्री. एक्स इज इक्वल टू फोर एंड वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस. सेकेंड पार्ट में भी हमें टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है एंड रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें राइट हैंड साइड में गिवन है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट वी हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई. चलिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन गिवन है तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन से, इट विल गिव माइनस एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस फोर को मल्टीप्लाई होगा टू से, ये एलिमेंट हमें मिलेगा. सेकेंड एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू से और एक्स माइनस फोर को मल्टीप्लाई करेंगे टू से एंड दिस इज इक्वल टू माइनस सेवन माइनस इलेवन. x माइनस वाई माइनस एट माइनस टू वाई माइनस एट. इफ दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल इट मीन्स देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. ये वाला जो एलिमेंट है ये इसके इक्वल होगा और सेकेंड वाला एलिमेंट सेकेंड के इक्वल होगा. x माइनस वाई माइनस एट इज इक्वल टू माइनस सेवन एंड माइनस टू वाई माइनस एट इज इक्वल टू माइनस इलेवन. फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड वाले को सॉल्व करेंगे हम फॉर वाई. वाई इज थ्री बाय टू. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वाई. एक्स माइनस थ्री बाय टू इज इक्वल टू वन, मीन्स एक्स इज इक्वल टू वन प्लस थ्री बाय टू, फाइव बाय टू. These are the values of x and y. Third part में हमें relation given है. Left hand side में हमें ये two matrices का multiplication given है और second term में हमें एक scalar को multiply करना है matrix से and this is equal to right hand side. इसको solve करना है हमें x और y की values के लिए. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों मैट्रिक्स को. इस स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा इस स्केलर से. माइनस सिक्स थ्री. नाउ ऐड दीज टू मैट्रिसेस, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे. टू प्लस माइनस सिक्स विल बी माइनस फोर. माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री प्लस टू एक्स प्लस थ्री मीन्स टू एक्स. इस टू से भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं. नाउ इक्वेट दीज टू मैट्रिसेस. फर्स्ट एलिमेंट माइनस फोर इज इक्वल टू टू वाई, सेकेंड एलिमेंट टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स. वैल्यू ऑफ वाई इज माइनस टू.
एंड एक्स इज 3। क्वेश्चन नंबर 17th, इन ईच केस गिवन बिलो फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एन एंड द मैट्रिक्स एम। हमें एक रिलेशन गिवन है, रिलेशन में हमें गिवन है मैट्रिक्स एम मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1, 2 एंड वी हैव टू फाइंड द मैट एम। तो देखिए अगर हम इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो ऑर्डर ऑफ दिस इज 2/2 और अगर हम इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर है 1/2। अब देखिए एक 2/2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया गया है किसी मैट्रिक्स से और आंसर ये मिला है। जब हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसका मैट्रिक्स 2/3 है, इट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, तो ये तो 3 ही होगा। सपोज ये 3/4 है तो जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है वो इन दोनों को आप एलिमिनेट कर दीजिए तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है 2/4। अब देखिए इसमें ये मिडिल टर्म 2 है, इट मीन्स इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स तो 2 रहे होंगे और नंबर ऑफ रोज आपको मिलेंगे यहां से 1। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉमन एलिमेंट रिमूव हो जाएगा और रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें मिलेगा 1/2 ऑर्डर का। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम इज 1/2। एक बार दोबारा देखते हैं कि कैसे हमने इसको देखा है। आप देखिए हमें ये गिवन था कि एक मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है और रिजल्टेंट मैट्रिक्स जब एम और इसको मल्टीप्लाई किया है तो वो 1/2 ऑर्डर का मिला है। अब इसके साथ उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है जिसके बीच वाले एलिमेंट्स इक्वल होंगे, इट मींस यहां पर 2 रहा होगा इसके ऑर्डर में और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का 1 मिला होगा एम से, तो एम का ऑर्डर रहा होगा 1/2। फर्स्ट पार्ट में हमें ऑर्डर ही मेंशन करना था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम 1/2 और सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करनी है इस मैट्रिक्स की वैल्यू। अब देखिए इसको भी कैसे वैल्यू हम इसे फाइंड आउट करें, ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं कि इसको हम राइट हैंड साइड में डिवीजन में लिख दें, मैट्रिक्स का डिवीजन तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स एम का ऑर्डर हमारे लिए अब नोन है, दैट इज 1/2 मींस एक रो होगी और 2 कॉलम्स होंगे, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि भाई लेट द मैट्रिक्स ए इज एक्स वाई। अब देखिए इस मैट्रिक्स में 1 रो है एंड 2 कॉलम है और जब इसे मल्टीप्लाई किया गया इस सेकंड वाले मैट्रिक्स से तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें मिला है 1, 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे 16th क्वेश्चन की तरह और एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड एलिमेंट x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/2, इट मीन्स मैट्रिक्स m इज इक्वल टू x y 1/2। सेकेंड पार्ट में भी हमें एक रिलेशन गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एन एंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एम। सेम प्रोसेस हम इसमें भी अप्लाई करेंगे, आपको जो गिवन मैट्रिक्स हैं आप उनके ऑर्डर पहले लिखिए, ऑर्डर ऑफ दिस इज 2/2 और इसका ऑर्डर है नंबर ऑफ रोज 2 कॉलम 1। अब देखिए इस मैट्रिक्स एम का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, अगर इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है इट मींस इसमें नंबर ऑफ रोज 2 होंगी तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और नंबर ऑफ कॉलम्स इसे आपको मिलेंगे यहां से 1। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम इज 2/1 इन दिस केस। अब हमें मैट्रिक्स एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको हम लेट कर लेंगे, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2/m, 2 रोज हैं इसमें और 1 कॉलम है तो इट मीन्स दिस इज x और y। अब देखिए इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है एंड द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज 3, 5। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं,
इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमें टू इक्वेशंस मिलेंगी x एंड y में. फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 4y इज इक्वल टू 13 एंड सेकेंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 5. अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है फॉर x एंड y. तो चलिए फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बाय 2. और अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वल टू 3. अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में. x प्लस 4y के प्लेस पर हमने 3 पुट कर दिया इज इक्वल टू 13. x इज इक्वल टू 1. नाउ मैट्रिक्स m इज इक्वल टू एक्स वाई. x 1 एंड y 3. दिस इज मैट्रिक्स m. क्वेश्चन नंबर 18 में हमें टू मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b. फाइंड द वैल्यू ऑफ x गिवन दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू b. और a और b में एक रिलेशन गिवन है और इस रिलेशन की हेल्प से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. रिलेशन हमें गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी. मैट्रिक्स ए और बी की हम वैल्यू पुट कर रहे हैं. ए स्क्वायर मीन्स ए मल्टीप्लाई बाय ए. मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए एंड दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी. लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है इट मींस इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे. आप देखिए 4 के प्लेस पर 4 ही है, 0 0 1 1. क्लियरली 3x इज इक्वल टू 36. देन x इज इक्वल टू 12. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. क्वेश्चन नंबर 19 में हमें थ्री मैट्रिक्स गिवन है a b एंड c. फाइंड ए बी माइनस 5c. इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जस्ट इसमें हम ए बी सी की वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे. मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स बी से और इस 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स को. तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 35 माइनस 5 30, 27 माइनस 25 मीन्स प्लस 25 आपको मिलेगा 52, 20 माइनस 20 दिस विल गिव 40, 16 माइनस 30 दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 20, इफ ए एंड बी आर एनी टू बाई टू मैट्रिसेस. दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें गिवन है 2x2 सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स. वॉट कैन यू से अबाउट द मैट्रिक्स ए. इस क्वेश्चन में हमें एक रिजल्ट गिवन है. हमें गिवन है मैट्रिक्स ए और बी दोनों 2x2 मैट्रिसेस 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं और एक रिलेशन गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू बी. अब देखिए इस रिलेशन में अगर हम इस वाले रिलेशन को देखें ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी ए इज ऑल्सो इक्वल टू बी. इट इज द कंडीशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स. जब हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्टडी किया था तो उसमें था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमें मैट्रिक्स इट्सेल्फ मिलता है प्रोडक्ट. चाहे आप इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करें या फिर इस सेकेंड फॉर्म में मल्टीप्लाई करें. इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड इट इज आल्सो पॉसिबल इन द सेम कंडीशन व्हेन ए इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. क्लियरली ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब देखिए हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करना होगा. तो
अब ये तो गिवन है, 2 by 2 है, इट मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 क्वेश्चन में गिवन था हमें. क्वेश्चन नंबर 21, मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, मैट्रिक्स बी हमें गिवन है एंड दैट ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी. फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. तो जो रिलेशन हमें गिवन है उसी को हम कंसीडर करेंगे. ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, वैल्यूज पुट कर रहे हैं मैट्रिक्स ए और बी की. इस रिलेशन की हेल्प से हमें ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से. राइट हैंड साइड में इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे 3 और ए ऐड होगा 3 प्लस ए सेकेंड बी. दिस इज 0 एंड दिस इज 4 प्लस सी. नाउ इक्वेट दीज टू मैट्रिसेस, इट मींस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल. तो 3a इक्वल होगा 3 प्लस ए के. ए इज इक्वल टू 3 by 2. सेकेंड एलिमेंट 3b इज इक्वल टू बी. बी इज इक्वल टू 0. फोर्थ एलिमेंट 4c इज इक्वल टू 4 प्लस सी. सी इज इक्वल टू 4 by 3. दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.